गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। ओके बेटा, कल हम कर रहे थे एक्टिविटी टू। एक्टिविटी टू का हमने क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू था वो रजिस्टर पे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर थ्री। जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो हमने बुक पे ही करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट है, सर्कल द इनकोरेक्ट रोमन न्यूमरल्स। आपने उन रोमन न्यूमरल्स को सर्कल करना है जो इनकोरेक्ट हैं। इनकोरेक्ट मीन्स जो गलत हैं, रॉन्ग हैं। ओके, अब आप ये देखिए, कभी आपने आज तक आपने जितने भी रोमन न्यूमरल्स पढ़े हैं, क्या आपने ट्रिपल वी सुना था? नहीं ना। तो इसको आप क्या कर दोगे? सर्कल, क्योंकि ये नहीं होता। अब ट्रिपल एक्स क्या होता है ये तो पता है, ये क्या होता है 30, ये सही है। नेक्स्ट ट्रिपल सी एंड वी ट्रिपल आई, ये क्या होता है 308, ये सही है। ट्रिपल डी भी नहीं होता, क्योंकि डी अकेला डी होता है, डी इज 500, लेकिन ट्रिपल डी नहीं होता, तो वो भी क्या कर देना आपने सर्कल, क्योंकि वो रोमन न्यूमरल्स में एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर। नेक्स्ट आई और एल भी नहीं होता, इसको भी क्या कर देना है सर्कल। नेक्स्ट वी वी आई, ये भी नहीं होता, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट इन रोमन न्यूमरल। नेक्स्ट डी डी एक्स, अकेला डी होता है, डबल डी एक्स बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी क्या आएगा सर्कल में। नेक्स्ट क्या आएंगे, सी क्या होता है 100, और ये क्या होता है प्लस 9, ये क्या हो गया 109, तो ये भी आता है, ये भी नहीं सर्कल करेंगे। सिर्फ सर्कल में कौन सा आना है, ट्रिपल वी आई एल वी वी आई डी डी एक्स एंड ट्रिपल डी, क्योंकि ये रोमन न्यूमरल्स में नहीं होते, ये इनकोरेक्ट दिए हुए हैं आपको। ओके, अब आपका चैप्टर नंबर टू जो है रोमन न्यूमरल वो फिनिश हो गया है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे ऑनेस्टली। ओके, और बाद में मैं आपको पिक्चर भेजूंगी, आपने उसका टेस्ट देना है। ओके, ओके, नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज लेसन नंबर थ्री, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन मीन्स ऐड, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। ओके, अब इस चैप्टर में ओनली सिर्फ क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इट्स टू इजी। अगर हम 72,835 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, सेम एज इट इज, क्योंकि 0 प्लस करो या माइनस करो स्टेटमेंट चेंज नहीं होती, वो ऑलरेडी वही आ जाना है जो लिखा हुआ था, सेम एज इट इज। नेक्स्ट है 89,999 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90,000। क्लियर, अगर ऐसे नहीं है तो आप प्लस करके देख लेना साइड पे। अगर इसमें 1 प्लस करोगे तो 9 प्लस 1 10, 1 इज देयर, 9 प्लस 1 10, 0 इज देयर एंड 1 इज कैरी, 9 प्लस 1 10, दिस इज ऑल्सो 10 और देयर इज 1, 8 प्लस 1 कितने हो गए 9, सो दिस इज द 90,000। तो इधर क्या आ जाना है 90,000। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स करनी है। इधर है 1,85,439, इधर है 2,81,715, लेकिन इधर वाली साइड पे 1 लाख वाला टर्म है, लेकिन कौन सी नहीं है, 2 वाली, तो इधर हम 2 वाली जो है 2 लाख वाली टर्म है वो लिख देंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी है। सेम एज इट इज डी में इधर 67,000 वाली टर्म भी है और 89,000 वाली भी है, कौन सी नहीं है 12,000 वाली, तो वो हमने 12,000 वाली इधर लिख देनी है। ओके, अब हम चैप्टर जो है रजिस्टर पे स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड आपका क्वेश्चन नंबर टू है, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स बाय राइटिंग इन वर्टिकल कॉलम। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपने इसको वर्टिकल कॉलम्स में लिख के क्या कर देना है ऐड। कैसे, सबसे पहले आपने डेट एंड डे डालनी है, बाद में आपने चैप्टर का नेम, एक्टिविटी वन पेज नंबर 23। क्वेश्चन नंबर टू है ऐड, इसको वर्टिकल कॉलम में लिख लोगे, दिस इज 46,192 एंड नेक्स्ट इज 23,145। क्या करना है हमने ऐड, सिंपल हमने ऐड करना है। आई नो ऐड कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है, वो आप कर लोगे इजीली।
फाइव प्लस टू कितने होते हैं सेवन, नाइन प्लस फोर कितने होते हैं थर्टीन, थ्री इज देयर वन इज कैरी, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, तो इधर क्या आ गया थ्री, सिक्स प्लस थ्री कितने होते हैं नाइन एंड फोर प्लस टू इज सिक्स, क्लियर, ये हो गया आपका एड। नेक्स्ट सम इज 4,58,173 एंड 2,81,835। अगेन इसको क्या करेंगे, प्लस करना है, सिंपल प्लस है, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 3 10, 0 इज देयर एंड 1 इज कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 0 इज देयर 1 अगेन कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 0 इज देयर 1 इज अगेन कैरी, 8 प्लस 5 कितने होते हैं 13, 13 प्लस 1 14, 4 इज देयर 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, ये हो गया आपके पास 7,40,008, ये था आपके पास सिंपल एड। ओके एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट बाय राइटिंग इन वर्टिकल कॉलम्स। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस कैसे लिख के वर्टिकल कॉलम्स में। ओके ए एंड सी पार्ट मैं करवाऊंगी, बी आपका होमवर्क है, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पे, सिंपल माइनस का सम है। ओके अब लिखा है इधर 2,17,830 फ्रॉम, यहाँ पे है फ्रॉम 5,74,893। अब देखो बच्चे फ्रॉम आ गया ना कि ये वाली टर्म इसमें से माइनस करो, अब फ्रॉम वाली टर्म में से जो इधर होती है टर्म वो पहले लिखते हैं एंड जो पहले होती है वो हम उसके नीचे लिखते हैं, क्लियर, फ्रॉम से जो नेक्स्ट वाली टर्म होती है वो हम पहले लिखते हैं एंड जो फर्स्ट पे होती है वो हम सेकेंड नंबर पे लिखते हैं, क्लियर। सभी में जब भी फ्रॉम आएगा आप ऐसे ही करोगे, इधर भी 8 लाख हम पहले लिखेंगे एंड 3,32,989 उसके नीचे। अब ये देखिए सिंपल माइनस है, 3 में से 0 माइनस किए 3, 9 में से 3 माइनस किए 6, 8 में से 8 माइनस किए 0, अब 14 में से 7 माइनस, क्योंकि 4 में से 7 माइनस हो नहीं सकते तो 7 ने 14 से क्या लिया बोरो, इधर क्या हो गया 14 और इधर क्या हो गया 6, नेक्स्ट 14 में से 7 माइनस किए तो 7, 6 में से 1 माइनस किए 5 एंड 5 में से 2 माइनस किए 3, तो आपके पास टर्म हो गई 3,57,063। नेक्स्ट इज बी पार्ट, दिस इज 8 लाख, पहले आप फ्रॉम वाली टर्म लिखोगे, जो फ्रॉम के आगे वाली टर्म होती है पहले आप वो टर्म लिखते हो, क्लियर, फिर आप पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे हमेशा, पहले क्या लिखोगे 9, फिर 8, फिर 9, फिर 2, फिर 3, 3, ये क्या हो गया आपके पास 3,32,989। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 है, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसने कैरी लेते जाना है, और कहाँ तक, जब जीरो वाली टर्म्स आ जाती है तो आपने कहाँ तक कैरी लेना है, जब तक आपके पास कोई टर्म नहीं आ जाती है, जैसे यहाँ पे सभी जीरो जीरो से, लेकिन एट कोई टर्म आ गई ना तो यहाँ तक कम होना होता है सब्ट्रैक्ट में, 10 में से 9 माइनस हुए 1, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए 1, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए 0, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए 7, 8 माइनस 3 इज 6 एंड 7 माइनस 3 इज 4, सो योर टर्म इज 4,67,011, क्लियर, ये था सिंपल सब्ट्रैक्ट। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 46,450 एंड 82,425 फ्रॉम 1,50,000, कहते हैं आपने सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन किसके सम को, इन दोनों के सम्स को इसमें से, क्लियर, इन दोनों के सम्स को, सम मींस प्लस को, इन दोनों को प्लस करके जो भी टर्म आपके पास आएगी आपने 1,50,000 में से वो माइनस करनी है, क्लियर, इन दोनों के सम को इसमें से माइनस करना है, ठीक है, सबसे पहले हमने लिख लिया 46,450, नेक्स्ट हम लिख लिया ये वाली, दोनों को प्लस करना है ना तो 82,425, अब इनको प्लस करेंगे क्योंकि सम बोला हुआ है ना, सबसे पहले सम करेंगे बाद में फ्रॉम करेंगे, 0 प्लस 5 इज 5, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 4 इज 8, 6 प्लस 2 इज 8 एंड 8 प्लस 4 इज 12, सो नंबर इज 1,28,875। और एक बात और, इसमें कोमा मस नहीं होते, कोमा लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ठीक है। अब फ्रॉम सबसे पहले ये ऊपर यही टर्म आएगी 1,50,000, अब आपने इधर लिखना है 1,28,875, पीछे से लिखना स्टार्ट करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, नेक्स्ट इज 8, नेक्स्ट इज 8, देर इज 2 एंड नेक्स्ट इज 1, अब हम इसमें से क्या करेंगे
सब्ट्रैक्ट, वो रोलेंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, और मैंने बोला था 0 के तब तक लेने होते हैं जब तक कोई टर्म नहीं आ जाए। यहाँ पे 5 की जगह पे क्या हो जाएगा 4। अब माइनस करेंगे, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 8 इज 1, 9 माइनस 8 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 1 माइनस 1 इज 0। सो नंबर इज 21,125। क्लियर? इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो इसमें से क्या करेंगे, माइनस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर विच इज 2,354 लेस देन 92,845। अब आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है जो 92,845 में से ये टर्म लेस कर दे तो वो बचेगा, जो लेफ्ट बचेगा। क्लियर? लेस देन मीन्स इसमें से ये वाली टर्म माइनस करनी है, क्योंकि आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है। अगर हम इस टर्म में से ये वाली टर्म लेस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म जो है वो बचेगी। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख देना है 92,845। नेक्स्ट आपके पास है 2,354। पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे, पहले 4, नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस। फाइव माइनस फोर इज 1। अब 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 14। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो कितने हो गए, 9। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। 7 माइनस 3 कितने हो गए, 4। 2 माइनस 2 इज 0 एंड नेक्स्ट इज 9 एज इट इज। ओके, हमारे पास टर्म आएगी 9,491। वो कौन सा नंबर फाइंड आउट हुआ, अगर हम 92,845 में से ये टर्म लेस कर दे तो हमारे पास कौन सा नंबर बचेगा, 9,491। क्लियर? ओके बेटा, हमारी एक्टिविटी 1 जो है वो फिनिश हो गई है लेसन नंबर 3 की, और अब आपने अपने घर पे लेसन नंबर 2 की प्रैक्टिस करनी है, और बाद में मैं आपका टेस्ट लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।